शनिवार को जिला महिला चिकित्सालय परिसर में कुपोषण मेले का आयोजन किया गया, जिसका मुख्यमंत्री ने लखनऊ से उद्घाटन किया। कुपोषण मेला प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित किया गया। कुपोषण मेले का आयोजन अब महीने के पहले बुधवार को आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रसूताओं, गर्भवती महिलाओं सहित कुपोषित बच्चों की विशेष चिकित्सकों द्वारा जाँच कराई जाएगी और कुपोषित बच्चों के खाने पीने की सुदृढ़ व्यवस्था और इलाज किया जाएगा। इस अवसर पर मेले में पानमती देवी शिक्षा समिति द्वारा एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को शौचालय की उपयोगिता के बारे में बताया गया। घर में शौचालय कितना जरूरी है, इसके लिए लोगों से अपील किया गया कि अपने अपने घरों में शौचालय बनवाएं और शौचालय का प्रयोग ही करें, खुले में शौच ना करें और ना ही करने दें। मेले में आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा एक लोकगीत का भी आयोजन किया गया, जिसमें शिशुओं के पालन पोषण और टीकाकरण के बारे में गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अधीक्षक जिला महिला चिकित्सा डॉक्टर दिनेश सोनकर सहित जिला महिला चिकित्सालय के वरिष्ठ डॉक्टर और स्टाफ सहित भारी संख्या में आशा कार्यकर्त्रियां मौजूद रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने कहा, जरा नाम तो बता, नाम तो बता। अरे सुन तो, चित्रगुप्त बात क्या चमक शरीर। अरे चित्रगुप्त, ये महिला इतने नहीं मानेगी। परेशानियां उठाते हैं, साथ इनके यहाँ शौचालय नहीं है, उन बहुत बेटे उन मांग सम्मान हमारे घर घर की खिड़कियों में रखा दिखाई पड़ता है। आज कई बच्चों का अब इस बीमार कमजोर आवाज शौचालय न होने की वजह से, और कई बच्चियां बेचारी स्कूल तक जाना नहीं पसंद करती है, क्योंकि स्कूल में भी जगह होता शौचालय में ताला, घर में माता पिता शौचालय बनवाते हैं। सोचते हो अगर पर्दा लगाना है, घर में मुझे बहुत बच्चे पर्दा कराते हैं, अगर पर्दा महाराज एक बात ये है, शौचालय पैसा ज्यादा लग गया, चाहे ठंडे बरसात के मौसम हमारा आम देता है, हमारी बहुत बेटों का मान सम्मान बना के रखता है, और हमारा समझ जब आप सब लोग अपना अपना सहयोग करेंगे, अकेले किसी एक बच्चे की बात नहीं है, शौचालय घर में नियमित रूप से शौचालय का इस्तेमाल करना, ठीक है, खुले में मत जाना, ना दूसरों को भी कहना खुले में। हमारी बहुत बेटी खुले में शौच के लिए गई, जोर के कहेंगे भैया शौचालय का इस्तेमाल करो, तो क्या कहने आप शौचालय अपनाना चाहते हैं, हाथ उठाए, चाची आप नहीं अपनाना चाची का, तो जरा हाथ उठा दीजिए। Yeah.
कुपोषण मेले का आयोजन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका लखनऊ से उद्घाटन किए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और सब सेंटर्स पे सुपोषण मेले का आयोजन ICDS और स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट एफर्ट से किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज यहाँ महिला चिकित्सालय परिसर में ये मेला आयोजित किया गया है, जिसमें प्रसूताओं की जांच, धात्री महिलाओं की जांच, गर्भवती महिलाओं की जांच, टीकाकरण का कार्य, पुष्टाहार का वितरण ICDS की तरफ से और कुपोषण ना हो इससे संबंधित विशेष प्रकार की जानकारियाँ स्पेशलिस्ट द्वारा दी जा रही हैं। इसी के साथ साथ जो हमारी एडोलिसेंट एज की लड़कियां हैं उनका भी चेकअप किया जा रहा है या अन्य कोई बीमारी है तो उसकी भी जांच की जा रही है। ये मेले का शुभारंभ आज से किया गया है, परंतु इसमें व्यवस्था यह है कि जो हमारा पहला बुधवार होता है प्रत्येक महीने का, जिस पे हम VHND अपने सब सेंटर पे आयोजित करते हैं, अब हमेशा वो VHND फर्स्ट वेंसडे ऑफ एवरी मंथ वो VHND हमारा स्वास्थ्य सुपोषण मेले के रूप में किया जाएगा, जिसमें हम दोनों विभाग मिलकर कार्य करेंगे और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करेंगे। अति कुपोषित बच्चों को NRC में भर्ती कराकर इलाज किया जाएगा, कुपोषित बच्चों को पुष्टाहार वितरण कर और उनके माताओं, उनके पेरेंट्स को समझा के बता के कि क्या खाने को देना है, क्या नहीं देना है, इस कुपोषण वाली समस्या से मुक्ति मिलेगी। और इसी दिशा में ये बढ़ाया हुआ एक कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उद्घाटन कर दिया है और ये कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है।